Yes, welcome students again in my YouTube channel. Today we will start the new chapter, chapter 4, consumer equilibrium indifference curve analysis. इसमें हम indifference curve analysis से consumer equilibrium को देखेंगे. Let's start. तो इस chapter में हमको जो topic cover करने हैं वो है first IEC मतलब indifference curve analysis as different from utility analysis. इसका utility analysis से difference देखेंगे. Assumption of IEC इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या इनको हम देखेंगे. ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व देखेंगे थर्ड जो पॉइंट है. फिर फीचर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखेंगे. फिर नंबर नेक्स्ट है कंज्यूमर बजट. कंज्यूमर बजट के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस वगैरह हैं अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व थ्योरी वो हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है आईसी एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस. अब यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे डिफरेंस है आपने पढ़ा. यूटिलिटी एनालिसिस जो अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ की जो यूटिलिटी है कमोडिटी की उसको 1, 2, 3 नंबर में एक्सप्रेस कर सकते थे. जिस पे प्रोफेसर जो हिक्स थे उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि इट इज़ नॉट रियलिस्टिक थ्योरी. तो उन्होंने इसको अपोज किया और अपनी नई थ्योरी जो थी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए दिया. तो इसको पढ़ते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एनालिसिस. द बेसिक लिमिटेशन ऑफ द यूटिलिटी एनालिसिस इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ द कार्डिनल मेजरमेंट. ये कार्डिनल जो मेजरमेंट था उस पर बेसिक था और कार्डिनल नंबर में अब यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द नंबर. ये आपने प्रीवियस चैप्टर के लास्ट जो सेक्शन था उस वीडियो में देखा होगा कि वहाँ भी इस लिमिटेशन की बात हुई थी. तो द आईसी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कार्ड दिस अजम्पशन. तो ये जो अजम्पशन था यूटिलिटी एनालिसिस का कि वी कैन एक्सप्रेस द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नंबर्स 1, 2, 3 इसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है. और इंस्टेड इट इज़ बेस्ड ऑन द जो आईसी थ्योरी एंड डिफरेंस कर्व थ्योरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ये ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे आधारित है डिपेंड है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट और जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है ये कंसेप्ट क्या है कि यूटिलिटी इज़ ओनली रैंक्ड एज हाई एंड लो. मतलब आप यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं 1, 2, 3 बट यूटिलिटी को हाई और लो रैंक में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मोर और लेस भी आप इसको बोल सकते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों में कि यूटिलिटी एनालिसिस में आप कमोडिटी की यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर 1, 2, 3 में एक्सप्रेस कर सकते हो. मतलब आफ्टर टेकिंग अ कप ऑफ टी यू कैन रिप्रेजेंट द यूटिलिटी ऑफ द कप ऑफ टी इन नंबर्स 1, 2, 3. बट इन आईसी थ्योरी इंडिफरेंस कर्व जो कंसेप्ट है इसमें आप हाई और लो रैंकिंग दे सकते हैं बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन नंबर. नेक्स्ट आता है अजम्पशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जो बेसिक अजम्पशंस हैं वो देखते हैं मन. आईसी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन. नंबर 1 मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज. मतलब जो कंज्यूमर है उसकी इनकम ना तो डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी. नंबर 2 द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर. मतलब कंज्यूमर दो गुड्स ऐसी हैं जिन पे अपना पैसा खर्च करता है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं. जस्ट लाइक एप्पल और ऑरेंज आप एग्जांपल में ले सकते हैं या दिया हुआ है. मतलब ऐसी चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हैं डिफरेंट तो वेजिटेबल के बदले वेजिटेबल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. तो वो दोनों गुड्स एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होंगी. यहाँ भी वो कंज्यूमर टू गुड्स हैं. टू गुड्स के एग्जाम्पल से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करेंगे. तो मेन बात ये थी कि दोनों गुड्स एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होंगे. थर्ड अजम्पशन है द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस. जो कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफरेंस करता है और द स्केल ऑफ जो प्रेफरेंस है फॉर द टू गुड्स इज़ वेल डिफाइंड. मतलब जो दो गुड्स हैं उनमें से वो किस चीज़ को प्रेफर करता है कैसे करता है उसका जो कोई स्केल है वो वेल डिफाइंड है. जनरली स्पीकिंग इन हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर. हिज मतलब कंज्यूमर
इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर द गुड वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज़ लेस ऑफ इट। मतलब जब कंज्यूमर के पास कोई कमोडिटी कम होती है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर उसके लिए ज़्यादा होती है। लाइकवाइज इसी तरीके से हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड वुड डिक्रीज व्हेन ही हैज़ मोर ऑफ इट। और जब सेम कमोडिटी उसके पास ज़्यादा होने लगती है, उसके पास उसका नंबर ज़्यादा होता है, देन द इंटेंसिटी ऑफ द डिज़ायर, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं, वो कम होने लगती है। ये थर्ड अजम्पशन था जिसको आप प्रेफरेंस बोलेंगे, प्रेफरेंस स्केल है। ठीक, नंबर फोर है, मोर ऑफ द गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन। जब कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसको उससे ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन मिलता है। दिस अजम्पशन इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस एंड दिस इज द मेन अजम्पशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। मोर ऑफ द गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। द अजम्पशन इज मेड टू सिंप्लीफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसी एनालिसिस। तो ये जो अजम्पशन है इज मेड टू सिंप्लीफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसी एनालिसिस के डिस्क्रिप्शन को सिंपल बनाने के लिए अजम्पशन है। मतलब दोबारा बता देता हूँ कि जब आप चार समोसे कंज्यूम करते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन तीन समोसों के कंजप्शन से ज़्यादा होता है, और पांच समोसे कंज्यूम करते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन चार समोसों से ज़्यादा होगा। मतलब एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर देन सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीजेस। नंबर फाइव है, द कंज्यूमर इज रेशनल। मतलब कंज्यूमर एक समझदार है, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। मतलब ही ऑलवेज लुक फॉर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। वो अपने पैसे को खर्च करके अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है हमेशा। दिस इज़ द रेशनलिटी ऑफ द कंज्यूमर। सो दीज आर द फाइव बेसिक अजम्पशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, आप अच्छे से याद रखें। नंबर थर्ड जो टॉपिक है अपना, इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? यहाँ भी कंज्यूमर दो चीज़ों को कंज्यूम करता है। कंसिडर्ड अ सिटुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग इज गिवन इनकम अक्रॉस गुड एंड बी। यहाँ हमने गुड दो गुड लिया है, ए एंड बी, कि जो कंज्यूमर है अपनी इनकम को गुड ए और बी पे खर्च करता है। लेट गुड ए बी एप्पल, ए जो है उसको एप्पल में ले सकते हैं और बी को ऑरेंज ले सकते हैं। बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मतलब एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट इनको किया जा सकता है इजीली। बोथ आर फ्रूट्स, कंसिडर दीज गुड्स एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। और ये सब्स्टिट्यूट है क्योंकि फ्रूट है, आपको फ्रूट लेना है, आप एप्पल की जगह ऑरेंज ले सकते हैं, ऑरेंज की जगह एप्पल ले सकते हैं। कंसिडर टेबल वन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द एप्पल एंड द ऑरेंज। अब आप कैसे दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एप्पल ऑरेंज के तैयार करते हैं? तो आपको ए बी सी डी ये सेट दिए हुए, 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ एप्पल पहले 1 2 3 4 है। जब कंज्यूमर एक एप्पल कंज्यूम करता है तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10 है, फिर उसने 3 जो है ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया है और उसके बदले में एक एक्स्ट्रा एप्पल उसने परचेज़ किया है। आपको पता है एप्पल वैसे ही कॉस्टली है, ऑरेंज थोड़े सस्ते होते हैं इन कंपेरिजन टू एप्पल। अगेन नेक्स्ट टाइम उसने कितना किया, अगेन 3 उसने सेक्रीफाइस किया, 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, 1 एक्स्ट्रा एप्पल उसने लिया, फिर उसने 1 को सेक्रीफाइस किया है, नहीं सॉरी, इसमें सेकंड टाइम उसने 2 सेक्रीफाइस किया है। मतलब पहले उसने 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, मैं दोबारा बताता हूँ, फर्स्ट टाइम उसने 3 सेक्रीफाइस किए, सेकंड टाइम उसने 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, फिर उसने 1 ऑरेंज सेक्रीफाइस किया है, और ईच एंड एवरी टाइम ही इज़ गेटिंग 1 एडिशनल एप्पल, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक जो आपने देखा जो डिफरेंस है कि ईच एंड एवरी टाइम द कंज्यूमर इज सेक्रीफाइज लेस ऑरेंज फॉर एक्स्ट्रा एप्पल। वो हर बार एक्स्ट्रा जो ऑरेंज है उसका नंबर कम सेक्रीफाइस करता जा रहा है, ऐसा क्यों है? इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी है। रीज़न क्या है कि जैसे एप्पल को एडिशनल कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल क्या है, वो कम होता जा रहा है, बट जैसे जैसे वो ऑरेंज को सेक्रीफाइस करता है तो उसके पास ऑरेंज का जो कंजप्शन है वो लेस होता है, तो जब कंजप्शन लेस होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता जाता है। मतलब जैसे ऑरेंज को सेक्रीफाइस करता है तो ऑरेंज का मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा और एप्पल का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता जाएगा। दैट इज़ वाई द कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस ईच एंड एवरी टाइम लेस नंबर, तो लेस नंबर सेक्रीफाइस करेगा। इसी कारण जब आप मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, मतलब MRS, इसमें MRS निकलेगा तो वो घटता हुआ आएगा, बढ़ता हुआ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर हर बार लेस और लेस नंबर सेक्रीफाइस कर रहा है। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग टेबल वन के जो मेन ऑब्जर्वेशन है अपने पास, जो नंबर वन ऑब्जर्वेशन है, कॉम्बिनेशन ABCD आर स्पेसिफाइड बाई कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ रेफरेंस फॉर द टू गुड्स। अब ये जो ABCD ऑप्शन तैयार किए गए डिफरेंट सेट्स, ये कंज्यूमर ने खुद तैयार किए हैं उसकी प्रेफरेंस और उसकी चॉइस से। नंबर सेकंड है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन है ABCD, जो भी अपने पास कॉम्बिनेशन है, इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जैसे एक एप्पल और 10 ऑरेंज का जो सेटिस्फेक्शन है, ये 2 एप्पल और 7 ऑरेंज के बराबर है, या 3 एप्पल और 5 ऑरेंज के सेटिस्फेक्शन के बराबर है, या 4 एप्पल 4 ऑरेंजेस, तो इन सब का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इसको, तो इसके बदले में आप जो है कॉम्बिनेशन जो सेटिस्फेक्शन जो है ए का कॉम्बिनेशन बी के बराबर और सी के बराबर होगा, ये आप इसमें बताएंगे। फिर नंबर थर्ड है, एज देयर इज़ नो डिफरेंस अमंग कॉम्बिनेशन ऑफ ABC, में कोई डिफरेंस नहीं है एंड डी में, वी मे से दैट द कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंस अक्रॉस दीज कॉम्बिनेशंस। मतलब वो सेम रहता है, उसका इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। जब वो डिफरेंस सेट्स पे जाता है, वो ABCD में से किसी भी एक सेट को, कॉम्बिनेशन को चुन सकता है। वी मे से दैट द कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंस अक्रॉस दीज कॉम्बिनेशन, टुगेदर दीज कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस सेट ऑफ द कंज्यूमर। तो आप इनको इंडिफरेंस सेट बोल सकते हो कंज्यूमर के। तो ये आपके पास शेड्यूल था और ये इसका एक्सप्लेनेशन था। फोकस जोन जो है इंडिफरेंस सेट क्या है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। इज़ अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस सेट्स वो सेट्स होते हैं जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन का ऑप्शन देते हैं, सो दैट द कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंस अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन इन हिज इंडिफरेंस सेट। जब भी वो अपने कॉम्बिनेशन को बदलता है इंडिफरेंस सेट्स को, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होगा। अब इसका एक डायग्राम आ जाता है। अब जो, क्योंकि मैंने बताया MRS हमेशा कम होगा, तो ये जो IC है हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजन रहेगा, मतलब ये स्लोपिंग डाउनवर्ड इस तरीके से नीचे आएगा। इसमें जो डिफरेंट आपको सेट्स बताए गए ABCD, इसका जो डिफरेंट, एक तरफ आपने एप्पल को लिया है वो एक्स एक्सेस पे, OY एक्सेस पे आपने ऑरेंजेस को लिया है, और ये डिफरेंट सेटिस्फेक्शन को बताता है। आप डायग्राम को स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगा, और अजम्पशन आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लें। नीचे जो इसके लिखा हुआ, IC इज एन इंडिफरेंस कर्व, ईच पॉइंट ऑन द कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, दस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर एट अ पॉइंट ए इज द सेम एज द पॉइंट BC और D। तो इसमें सभी सेटिस्फेक्शन बराबर बताए गए, और थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा जो नीचे दिया गया है। ठीक, जो इसके फीचर और प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया, आप इसको रिवाइज़ करें, बार बार डायग्राम को देखें, स्क्रीन को स्टेबल करके। ओके, सी यू इन नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स और प्रॉपर्टीज, आप इनको फीचर्स बोलें या प्रॉपर्टी बोलें, दोनों ठीक है। द नंबर वन, IC स्लोप डाउनवर्ड। IC का शेप जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, किस तरीके से, इस तरीके से। दिस इज अवर IC ऑलवेज डाउनवर्ड। वाई डज इट डाउनवर्ड ऑलवेज? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी कैन नॉट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन गुड विदाउट सेक्रीफाइसिंग द अदर गुड। दिस इज द मेन रीजन। लेट सी वॉट इज रिटन हियर। IC स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जब IC ऐसे चलता है तो ये लेफ्ट टू राइट होता है। ये ऊपर वाला आप इसको लेफ्ट लें और नीचे जो है ये आपके पास राइट हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट टू राइट इट मीन दैट IC हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। इट इम्प्लाइज दैट इफ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर। इट इज़ ओनली देन दैट द सेटिस्फेक्शन लेवल वुड रिमेन कॉन्स्टेंट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ IC। अब IC में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सेम IC शोज द सेम सेटिस्फेक्शन
वो सेम सेटिस्फेक्शन पॉइंट को ही बताएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। डिफरेंस मतलब अलग, इनडिफरेंस मतलब समान, बट क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। कोई भी कर्व जो ऊपर से नीचे आता है उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप वाले जो कर्व हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे, ये पॉजिटिव स्लोप हुआ, और नेगेटिव वाले हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो। वुड रिमेन कॉन्स्टेंट एट द डिफरेंट पॉइंट आई सी, लेट अस रेफर टू फिगर नंबर टू। एट द पॉइंट ए ऑन आई सी द कंज्यूमर हैज फाइव ऑरेंज एंड टू एप्पल। नीचे एक डाइग्राम है जिसका जो ई जो कॉम्बिनेशन है हमने पास, जो पॉइंट ई शो करेगा, पहले उसी को बता देता हूँ आपको। ये देखें इन डाइग्राम द पॉइंट ए शोज, इधर ऑरेंज है इधर आपका एप्पल है, तो ए वाला कॉम्बिनेशन क्या है आपके पास, टू एप्पल एंड फाइव ऑरेंजेस। ठीक, जैसे उसने ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया तो एप्पल का एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम किया और वो बी पे आता है। देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी। जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ बी, बी के सेटिस्फेक्शन के बराबर होगा ये। ठीक, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, बट उसको एप्पल को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक, मतलब द कंज्यूमर कैन नॉट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ बोथ द गुड एट अ टाइम। लेट सी, तो यहाँ देखते हैं, एट पॉइंट ए ऑन आई सी कंज्यूमर हैज फाइव ऑरेंज एंड टू एप्पल। मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से बी पे जाता है, ही हैज थ्री एप्पल एंड थ्री ऑरेंजेस। ठीक, तो उसको टू ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ा बी ऑप्शन पे, उसके बाद टू ऑरेंज कम कंजप्शन हो रहा है और एक एप्पल एक्स्ट्रा कंज्यूम वो कर पा रहा है दो से तीन। व्हेन द कंज्यूमर मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड ही हैज थ्री एप्पल इंस्टेड ऑफ टू, दो की जगह तीन हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम एप्पल मस्ट राइज। तो एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, बट उसी टाइम जो ऑरेंज का सेटिस्फेक्शन है, पहले ऑरेंज उसके पास फाइव कंज्यूम करता था, नाउ ही इज कंज्यूमिंग थ्री ऑरेंज, तो टू ऑरेंजेस का जो सेटिस्फेक्शन था वो कम होता है। दैट इज वाई जो सेटिस्फेक्शन ए वाला है और बी वाला दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे एप्पल का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है तो ऑरेंज का सेटिस्फेक्शन जो है मिलने वाला, क्योंकि उसका कंजप्शन कम हो जाता है। सो दैट द राइज इन द सेटिस्फेक्शन लेवल ड्यू टू द हायर कंजप्शन ऑफ एप्पल इज काउंटर बैलेंस बाय द फॉल इन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द लोअर कंजप्शन ऑफ ऑरेंज। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये डायग्राम दोबारा देख ले आप। ठीक, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिंस कंजप्शन ऑफ टू गुड्स इज इन्वर्सली रिलेटेड, दोनों गुड्स का जो कंजप्शन है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, इट मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप होता है अगर वो ऑरेंज को सेक्रीफाइस करता है या दो ऑरेंज सेक्रीफाइस करे, एक एप्पल उसको एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी पढ़ देते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ ए इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ बी बिकॉज ए एंड बी आर बोथ ऑन सेम आई सी। सेम आई सी के जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर होता है। सेकेंड लिखा हुआ, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी व्हेन द कंजप्शन ऑफ एप्पल इंक्रीजेस कंजप्शन ऑफ ऑरेंजेस मस्ट डिक्रीज। तो अगर इस तरीके से इसको चल रहा है आई सी में ऊपर से नीचे, तो जब वो एप्पल का कंजप्शन बढ़ाता है तो ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओनली देन द सेटिस्फेक्शन लेवल कैन रिमेन कॉन्स्टेंट, तभी तो सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर होगा कि एप्पल का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया, एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम किया तो एट अ टाइम उसको ऑरेंज सेक्रीफाइस करता है वो, तो उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट है इसका, सिंस कंजप्शन ऑफ टू गुड्स ऑन द आई सी इज नेगेटिवली और इन्वर्सरी रिलेटेड, आई सी मस्ट स्लोप डाउनवर्ड। तो इनमें इन्वर्सरी रिलेशन होता है, दैट इज वाई आई सी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोप ऑफ आई सी क्या होता है, देखो स्लोप ऑफ आई सी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ एक फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ आई सी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो स्लोप ऑफ आई सी आप इसको एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब वो किस रेट से एक चीज को सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज का कंजप्शन बढ़ाता। तो यह फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा मतलब होता है चेंज, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा इट मींस चेंज। तो डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स। तो जैसे उसने फाइव से थ्री ऑरेंज किए तो ये डेल्टा वाई हो गया, अब ये नेगेटिव होगा क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया,
ये हो गया माइनस टू पर, और एप्पल में एक ऑरेंज बढ़ गया, एप्पल एक का कंजप्शन एक बढ़ गया, तो थ्री माइनस टू वन होगा। नेगेटिव साइन इसलिए हो क्योंकि ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, तो ए बी अपॉन बी सी, तो दिस इज ए बी दिस इज बी सी, तो माइनस टू अपॉन वन, तो स्लोप हो गया माइनस टू। दिस शोज द इनवर्स रिलेशन, कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स इन्वॉल्व अ सेक्रीफाइस ऑफ टू यूनिट ऑफ वाई, तो एक गुड एक्स का एक यूनिट एक्स्ट्रा कंजप्शन करने के लिए उसको टू यूनिट वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा। डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा। सिंस कंजप्शन ऑफ टू गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड, आई सी मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप और इट मस्ट स्लोप डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये नोट्स में आप डायग्राम जरूर बनाएगा। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। स्टेट द प्रिंसिपल रीजन दैट लीड्स टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ आई सी। अब आई सी का डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? इट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस है इसका मेन रीजन of the consumer that lead to the downward slope of IC according to the monotonic preference, more of a good always lead to higher satisfaction. Accordingly, more of one good must be combined with less of other. तो मतलब जैसे वो किसी चीज़ का कंजप्शन बढ़ाता है तो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है उस चीज़ से, बट एट अ टाइम उसको दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसके लिए। तो क्या हुआ? यही मोनोटोनिक प्रिफरेंस और यही मेन रीज़न है IC के डाउनवर्ड स्लोप होने का, है ना। यस, नेक्स्ट फीचर आई सी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजन। अब आई सी जो ओरिजन से कॉन्वेक्स होता है कैसे? दिस इज द ओरिजन पॉइंट और आई सी ऐसा आता है, तो दिस इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हुआ, ठीक। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने साइंस में पढ़ा होगा टेंथ में। तो वाई डज द शेप ऑफ आई सी इज कॉन्वेक्स? ये होता है ड्यू टू डिक्लाइनिंग एम आर एस। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एम आर एस हमेशा कम होता जाता है, उसका रीजन देखते हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजन? इट मीन दैट द स्लोप ऑफ आईसी टेंड टू डिक्लाइन, आईसी का स्लोप कम होता जाएगा। आईसी का स्लोप मतलब एमआरएस, एज वी मूव अलोंग द आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आईसी में आप लेफ्ट टू राइट मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, द स्लोप ऑफ आईसी एज वी मूव अलोंग द आईसी लेफ्ट टू राइट, द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम इसका जो स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में एमआरएस, इसको एमआरएस बोलेंगे। एमआरएफ टायर नहीं, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर। ये वो रेट है जिससे पता चलता है कि कंज्यूमर किस रेट से एक चीज को एक वन गुड को दूसरे गुड के लिए सेक्रीफाइस करता। हियर इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ एमआरएस। एमआरएस रेफर टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अदर, या फिर एमआरएस रेफर टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई फॉर गुड एक्स। तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन? तो ये तो कॉन्वेक्स क्यों था उसका रीजन तो आ गया, बट ये एक अनादर क्वेश्चन, यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल गया था। हमने पास ये क्वेश्चन था ना, आई सी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजन, तो उसका तो हमने बस क्लेरिफिकेशन ये आ गया ये पैराग्राफ। बट अब क्वेश्चन आता है वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन? एमआरएस डिक्लाइन क्यों होता है? इट इज अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जब वो एक्स मतलब एप्पल को ज्यादा कंज्यूम करता है बाय सेक्रीफाइसिंग ऑरेंज मतलब वाई, कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर गुड एक्स टेंड टू डिक्लाइन। तो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, अब एक्स को काफी कंज्यूम कर रहा है एक के बाद एक, तो उसका जो डिजायर है वो कम होता जाएगा। इम्प्लाइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स टेंड टू फॉल, जब वो ज्यादा गुड एक्स को कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का क्या होगा? कम होता जाएगा। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। ऑन द अदर एंड एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई आर गिवन अप, अब एक्स के लिए उन्होंने वाई को सेक्रीफाइस किया ना, हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर गुड वाई इंक्रीज, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर वाई के लिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब उसका कंजप्शन काफी कम कर चुका है, राइज होगा। इम्प्लाइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड वाई इंक्रीज होगा, टेन टू राइज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ इज बींग सेक्रीफाइज, जैसे वो एक एक यूनिट सेक्रीफाइस करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर मतलब मार्जिनल यूटिलिटी वाई के लिए बढ़ता जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण से फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स की लेने के लिए द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ वाई, तो वो हर बार वाई को कम से कम सेक्रीफाइस करता जाएगा।
एक्स के एडिशनल कंजप्शन के लिए, क्यों? क्योंकि एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है और वाई का बढ़ता जा रहा है, अकॉर्डिंगली जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है सेक्रीफाइजिंग वाई पर यूनिट ऑफ एडिशनल एक्स, ये इसका रेट है टेन टू फॉल। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है लगातार कम होती जाएगी, मूव एज वी मूव डाउन आईसी, जैसे आईसी में नीचे आता है, दस आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजन बिकॉज एमआरएस टेंड टू डिक्लाइन। एमआरएस डिक्लाइन, अब एमआरएस डिक्लाइन क्यों होता है? वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ डिजायर वाई का तो बढ़ता जाएगा और एक्स का कम होता जाएगा, देन ईच एंड एवरी टाइम कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइज लेस फॉर एडिशनल कंजप्शन ऑफ एक्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब डायग्राम पे देखते हैं, फिगर फोर इलस्ट्रेट, पहले फिगर समझा देते हैं आपको। यहाँ ध्यान से समझें, आईसी आपके पास दिया गया है, इसको थोड़ा नीचे कर दे। यस, तो यहाँ ओ एक्स एक्सेस पे एक्स है गुड और वाई ओ वाई एक्सेस पे, यहाँ एक्स और वाई का जो चार्ट दिया हुआ जो फर्स्ट सेट है 2 6, मतलब स्टार्टिंग में वो एक्स का जो यूनिट है 2 कंज्यूम करता है वाई का 6, फिर उसने वाई को सेक्रीफाइस किया वो 6 to 4.5 आया, इट मीन्स उसने 1.5 सेक्रीफाइस किया और एक्स का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया 2 से 3। तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स एम आर एस निकालेंगे तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई में चेंज हुआ है 1.5 और ये कम हुआ है तो नेगेटिव साइन, एक्स का 1 बढ़ा है तो अपॉन 1, वैन वी डिवाइड 1.5 by 1 तो 1 - 1.5 आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने 4.5 से 3 किया है तो यहाँ भी 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा वाई की वैल्यू 1.5 हो गया, बट दिस टाइम एक्स का उसने 3 to 5 दो यूनिट ज़्यादा कंज्यूम किया, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे, वैन वी डिवाइड 1.5 by 2 देन हमारे पास आएगा -0.75। ठीक, नेक्स्ट टाइम फिर आपने 3 to 2.5 मतलब ओनली 0.5 सेक्रीफाइस किया तो माइनस ये डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा -0.5 और यहाँ 5 to 7 2 किया है तो 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एमआरएस की वैल्यू है 1.5 फिर 0.75 0.25 तो कंटिन्यूसली कम हो रहा है, तो एमआरएस डिक्लाइन होता जाता है, दैट इज़ वाई इसका शेप कॉन्वेक्स ऐसा आएगा। ये कैलकुलेशन है आप सेक्रीफाइजिंग, जो है आपका डेल्टा वाई कहाँ दिया हुआ है देखें, ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा एक्स, फिर यहाँ ये डेल्टा वाई आ जाएगा, फिर ये डेल्टा एक्स इधर, ये इधर बढ़ता जाएगा, नीचे भी कैलकुलेशन दिया गया है, इट इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना है, बट जैसे वो ईच एंड एवरी टाइम वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की जगह वाई को कम से कम सेक्रीफाइस करेगा, जैसे पहले 4 किया फिर 3 फिर 2 फिर 1 और उधर एडिशनल जो कंजप्शन होगा वो सेम चलता जाएगा, 1-1 बढ़ता जाएगा, तो एमआरएस आपके पास कंटिन्यूसली डिक्लाइन होगा, दैट इज़ वाई एमआरएस जो है डिक्लाइन होता जाएगा, ये इसका रीज़न यहाँ क्लियर हो गया। आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजन, ये इसको फोकस जोन में भी डिस्क्राइब किया गया है, यस आईसी इज नॉर्मली कॉन्वेक्स टू ओरिजन, इट इज़ बिकॉज एमआरएस जो है टेंड टू डिक्लाइन एज वी मूव अलोंग द आई सी कर्व लेफ्ट टू राइट, नोट दैट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज आइडेंटिकल विद द स्लोप ऑफ आई सी, मतलब जो स्लोप ऑफ आई सी है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये उसी को एम आर एस बोल दो, सो दैट डिक्लाइनिंग एम आर एस मीन दैट द स्लोप ऑफ आई सी टेंड टू डिक्लाइन एज वी मूव डाउन दिस कर्व, ऑल्सो नोट दैट इट इज द डिक्लाइनिंग एम आर एस दैट मेक्स इन डिफरेंस कर्व एज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, और इसी कारण ये कॉन्वेक्स टू ओरिजन होता है ना, हायर द एम आर एस ग्रेटर द कॉन्वेक्सिटी, जितना ज्यादा हायर एम आर एस होगा कॉन्वेक्सिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट फीचर अपने पास आता है, हायर आई सी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर जो आई सी है वो हाई लेवल को बताता है, यस हम ऑलरेडी एक चीज पढ़ चुके हैं कि सेम आई सी शोज द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल, अगर एक आई सी पे आप ए बी सी पॉइंट लगाएंगे द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए बी सी आर इक्वल, मतलब सेम आई सी पे जो भी पॉइंट होगा जो भी सेट होगा कॉम्बिनेशन होगा उनका सेटिस्फेक्शन ऑलवेज इक्वल होगा, बट जो डिफरेंस आई सी अलग अलग जो आई सी हैं वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन को बताते हैं, देन ये जो फीचर है हाइयर आई सी शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इट मीन्स डायग्राम में आपको आई सी 1 आई सी 2 आई सी 3 आई सी 4 बताया गया, तो जो हाइएस्ट सेटिस्फेक्शन है वो आई सी 4 का होगा, लोएस्ट सेटिस्फेक्शन होगा आई सी 1 का, मतलब जो सेटिस्फेक्शन है आई सी 2 का वो ज़्यादा है 1 से, द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ आई सी 3 इज मोर देन आई सी 2,
सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ आई सी फोर इज मोर देन आई सी थ्री। तो सिंपल ये है कि जो हायर आई सी है वो हायर सेटिस्फेक्शन शो करता है। डायग्राम सिंपल सा है, सिंपल सा फीचर है। अब यहाँ पे और आती है इसकी थ्योरी विद रेफरेंस फिगर फाइव, जो ऊपर देखा, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी केयरफुली नोटेड। हायर आई सी जो है टू द राइट ऑफ द अबाउ अदर इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दस आई सी फोर इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन आई सी थ्री, आई सी थ्री इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन आई सी टू, आई सी टू इंडिकेट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आई सी वन। ईच आई सी इन द इंडिफरेंट मैप कोरोस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। हायर आई सी कोरोस्पॉन्ड टू हायर लेवल ऑफ इनकम। ठीक, मतलब जो हायर लेवल है उसमें अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, आप ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करोगे। तो जो हायर आई सी है वो आपकी इनकम को भी बताता है कि आपकी इनकम ज़्यादा है। अगर इनकम कम होगी तो आप लोअर आई सी पे रहोगे, बिकॉज यू विल कंज्यूम लेस गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आ रहा है, शो दैट हायर आई सी ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये शो करना आपको। रेफर कैसे करेंगे, कंसिडर्ड डायग्राम हमने लिया, इसमें हमने दो आई सी लिए, आई सी वन आई सी टू। कैसे शो करेंगे, कंसिडर्ड पॉइंट आर जो ऑन द लोअर आई सी पॉइंट आर, तो आई सी वन पे है, और जो एस है अपने पास आई सी टू पे। बोथ एट आर एंड एस कंज्यूमर हैज ओके अमाउंट ऑफ गुड वाई। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो के लिए तो दोनों बराबर, एक सिंपल लाइन है, तो गुड वाई को वो ओ और के बराबर कंज्यूम करता है। बट जब आई गुड की बात आती है तो पॉइंट आर के लिए ओ एल है, और एस के लिए आपके पास ये इतना कंजप्शन ज़्यादा है जो मैं शेडेड कर रहा हूँ। इट मीन्स जो एस पॉइंट है इस पे गुड एक्स जो है उसका कंजप्शन ज़्यादा है आई सी टू पे, आई सी वन पे गुड एक्स का कंजप्शन कम है इन कंपेरिजन टू आई सी टू, और जो गुड वाई है उसका कंजप्शन आई सी वन और आई सी टू दोनों के लिए इक्वल है। तो टोटली मिला के आई सी टू पे कंजप्शन ज़्यादा है गुड एक्स का, तो मोर जो कंजप्शन होगा तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। सो वी कैन से द सेटिस्फेक्शन ऑफ आई सी टू इज मोर देन वन। पढ़ते हैं गुड वाई, बट एस द कंज्यूमर एज ओ एल अमाउंट ऑफ गुड एक्स, या ओ एल के बराबर एस पे तो कितना होता है, ओ से लेके एल तक का कंजप्शन है, क्या ओ से लेके एल तक, बट आर पे ओ से लेके एल तक है, और वाई का तो दोनों में बराबर है। Which is greater than OL? तो OL से greater है OL1। We know more of the good means more satisfaction। तो IC2 पे उसका कंजप्शन ज़्यादा है। Hence the conclusion that IC2 offer higher level of satisfaction than IC1। ठीक, अब IC2 में सिर्फ गुड एक्स का कंजप्शन ज़्यादा है, वाई का तो दोनों में बराबर है, तो सेटिस्फेक्शन तो IC2 का ही ज़्यादा होगा। नंबर फोर फीचर, IC do not cross or intersect each other। IC ना तो एक दूसरे को टच करते हैं ना एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक, वॉट इफ दे डू, अगर वो कट करते हैं तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो ना तो इंटरसेक्ट करेंगे ना टच करेंगे। यस, तो इसके लिए भी अपने पास एक इलस्ट्रेशन है। टेक टू आई सी, आई सी वन और आई सी टू आपने लिया, तो आपने सपोज कर लिया कि पॉइंट ए पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ देखें ए इज इक्वल टू बी बींग ऑन द सेम आई सी, मतलब सेटिस्फेक्शन जो ए का है और बी के बराबर होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यस, देखें यहाँ जो लिखा हुआ है, सॉरी, यस, ए इज इक्वल टू बी लिखा है। इट मीन सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि दोनों आई सी वन पे है और सेम आई सी का सेटिस्फेक्शन बराबर है। अब सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू सी, ए और सी का बराबर होगा बींग दोनों आई सी टू पे। ठीक, अब ए का सेटिस्फेक्शन बी के बराबर है और ए का सी के बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या बनता है कि बी और सी का सेटिस्फेक्शन भी बराबर है। बट दिस इज नॉट लॉजिकल, ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि बी और सी तो अलग अलग आई सी पे, बी यहाँ पे वन पे, सी इस पे। अभी भी अपन ने पढ़ा कि सेम आई सी शोज द सेम सेटिस्फेक्शन, बट डिफरेंट आई सी शोज द डिफरेंट सेटिस्फेक्शन। तो बी और सी लॉजिकल नहीं है, इसका मतलब इट इज कॉन्ट्राडिक्ट। एट पॉइंट सी कंजप्शन ऑफ गुड एक्स इज ग्रेटर, पॉइंट सी पे कंजप्शन जो है गुड एक्स का जो है यहाँ आता है और इसमें यहाँ आता है, तो सी का सेटिस्फेक्शन तो ज़्यादा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। एक्स इज ग्रेटर देन बी वाइल द कंजप्शन ऑफ गुड वाई इज सेम, अब गुड वाई का जो कंजप्शन है वो तो दोनों में सेम आ रहा है यहाँ से। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें।
consider point A and B, these are on the same IC1, therefore these are equal in terms of satisfaction. So that A is equal to B, मतलब satisfaction A का B है, likewise A का C के बराबर है, as these are on the same IC2. Since A is equal to B, A is equal to C, we can say, अब B भी A के बराबर है, का satisfaction, C का A के बराबर है, तो B C बराबर हो गए, but this is not logical, because both B and C, the conjunction of good Y is the same. दोनों B और C पे Y का कंजप्शन बराबर है, O और K के बराबर है, ये डायग्राम में आप देख लें, ये O और K के बराबर है ऊपर से नीचे, बट X में डिफरेंस आता है, इसमें तो यहाँ और इसका इतना ज़्यादा, ठीक, गुड Y इज द सेम ओके, बट एट C द कंजप्शन ऑफ गुड X इज इक्वल टू KC इज ग्रेटर देन एट B, KB के बराबर, implying that C must be offering higher level of satisfaction. तो B में satisfaction level ज़्यादा है. So it means the IC cannot intersect or touch each other. ना तो उसको intersect करेंगे ना touch करेंगे. Okay. यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. I hope you are enjoying. कोई problem हो तो आप जरूर पूछेगा.